अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, इसमें एक लीटर के करीब दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाह। दूध को उबाल लेंगे। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें आधा चाय के चम्मच इलायची पाउडर शामिल करेंगे। चीनी शामिल करेंगे इसमें ज़रूरत। मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। पिस्ता और बादाम लिए हैं मैंने, इस तरीके से मोटा मोटा ने काट लिए। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते रहेंगे। अब साथ साथ इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे 4 चम्मच, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब दूध को पका लेंगे जब तक ये आधा नहीं रह जाता। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। देखें तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे हैं, दूध आधा रह गया। देखें इतनी थिकनेस काफ़ी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे, इसे बीट कर लेंगे। 2 चम्मच चीनी शामिल करेंगे इसमें, इसे भी बीट करेंगे। देखिए क्रीम को जैसे बीट कर लिया है, अब जो दूध बॉईल किया था ये डालेंगे इसके अंदर। मिक्स कर लेंगे एक बार। एक एयर टाइट बॉक्स लेंगे, इसमें ये मिक्सचर ट्रांसफर करेंगे। थोड़े से बादाम और पिस्ता ऊपर से डाल देंगे। प्लास्टिक रैप से ऊपर से कवर करेंगे। बंद कर देंगे। अब इसे एक रात के लिए फ्रिज में रख देंगे। 7 से 8 घंटे तो लाजमी रखना है इसे। अल्हम्दुलिल्लाह एक रात के लिए इसे फ्रिज में रखा है, अब इसे निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत ही जबरदस्त कुल्फा आइसक्रीम तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्फा आइसक्रीम तैयार है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि चैनल की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।